अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन यानी ज़राअत की मालूमात। आज की जो हमारी वीडियो है, हम आए हुए हैं यहाँ पर एक सरसों का खेत है जो हमारे एक दोस्त ने राया काश्त किया हुआ है। तो हमारे काफ़ी सारे दोस्त ये पूछ रहे थे कि हम अपने इस खेत में मतलब सरसों के खेत में राया में अपनी पोटाश का जो स्प्रे है वो किस टाइम इस्तेमाल करें। मतलब पोटाश का स्प्रे, एक तो हम पोटाश जो है ना वो बाजरिया फ्लड भी करते हैं, तो ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं आपने जो पोटाश का स्प्रे करना है आपने गौर से सुनना है। ये जिस स्टेज पर है हमारा इस वक्त राया, हम आपको दिखाएंगे, ये कोई फ्लड करने का टाइम नहीं है इसमें। मतलब पोटाश, अगर पोटाश इसमें फ्लड करनी होती तो एक माह पहले तकरीबन हमने इसमें पोटाश फ्लड कर लेनी थी। अब ये जो हमारा टाइम है ये क्या है, पोटाश का स्प्रे करने का। पोटाश का जो स्प्रे करने का बेहतरीन टाइम होता है, आप देख रहे हैं ये अब हमारा जो सरसों है इसमें के अंदर जो है ना दाना बन रहा है। मतलब अब आप इसको अगर मसनूई खुराक देंगे, मतलब मसनूई से मुराद ये आप इसे डायरेक्ट खुराक दे रहे हैं ऊपर से, तो इसमें क्या होगा, हमारी पोटाश जाज़ब भी होगी, तो उससे क्या होगा हमारा जो इसके अंदर दाना है उसमें काफ़ी सारे क्या होगा, वो सेहतमंद होगा। मतलब जब आपकी जो कटाई होगी, आप इस तरह कर लें, अगर आपके पास 10 एकड़ है, 5 एकड़ है, उसमें से आप 1 एकड़ को छोड़ दें, बाकी के ऊपर आप स्प्रे कर दें। ज़्यादा को नहीं छोड़ना क्योंकि इसके फ़वैद काफ़ी सारे हैं। अगर आप ज़्यादा को छोड़ देंगे और 1 एकड़ पर काश्त, मतलब आप अपनी 1 एकड़ काश्त पर अगर स्प्रे करेंगे तो वो उन जो आपका वो 4 एकड़ होगा उससे वो डिफरेंट होगा काफ़ी सारा। तो आपने ऐसा करना है, आपने 1 एकड़ छोड़ना है, 4 एकड़ के ऊपर ये कोई ख़र्चा नहीं है ज़्यादा, तकरीबन कि 900 या 1000 तक आपका 1 लीटर आ जाएगा जो आपका 1 एकड़ पर इस्तेमाल होगा। तो आप इस स्टेज पर अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आपने क्या करना है, स्प्रे कर देनी है, जिससे आपको पैदावार में काफ़ी सारे बेनिफिट नज़र आएंगे। तो ये स्टेज है, असल ये स्टेज है आपकी स्प्रे करने की। ये देखें ये दाना बना हुआ है, मैंने आपको ये छील कर दिखाया, ये दाना फुल आप हमारा जो है ना वो बन चुका है इसके अंदर। मतलब अभी इसे ये पकने को तो देर है, तकरीबन 20 से 25 दिन तकरीबन लग सकते हैं इसको पकने में। अगर आप इस पर स्प्रे कर लेते हैं तो आपको क्या बेहतर से बेहतर बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हमारे काफ़ी सारे दोस्त कमेंट्स में पूछते हैं कि हम किस टाइम पर स्प्रे कर सकते हैं अपनी सरसों के खेत में। तो ये अब जो स्टेज है इस पर आप क्या कर सकते हैं, स्प्रे पोटाश का कर सकते हैं और अच्छे बेनिफिट भी हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।